ये बलेनो से कहाँ अलग है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जो बलेनो पे पेंट की कोटिंग की जाती है, देखो भाई, मतलब बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है भाई इस इंजन में। आप इस मॉडल में प्राइस जब मैं बताऊंगा ना, तो भाई आप ये कहोगे भाई ये गाड़ी चाहिए तो यही चाहिए, बाकी और कोई गाड़ी हमको चाहिए ही नहीं। काफ़ी प्यारी लग रही है। और जो भाई सबसे मेन बात है यार इस गाड़ी की, बेस मॉडल में ही आपको ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है भाई। अगर किसी फोर पार्किंग सेंसर, भाई बेस मॉडल में भी आपको मतलब फोर पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे भेज मिल जाएगी। ये मतलब कुछ ऐसे फीचर हैं, ये डिफॉगर हुआ और ये हाई माउंटेन लैंप वगैरह, जो बेस मॉडल में हर किसी कंपनी में नहीं मिलते। तो जो कोरोला की आपकी एल्टिस आती है या फिर कैमरी वगैरह, उनसे इंस्पायर्ड सा कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल लगता है। तो इसलिए और ये बेस मॉडल है, बट बेस मॉडल होने के साथ ही इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको अदर कंपनीज जो है ना उनके टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते भाई। तो वही सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं भाई ठीक ही होंगे सब। तो भाई आज हम जो गाड़ी आपके लिए लेके आए ना, उसके बारे में कुछ भी बताएं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जो हम बार बार करते हैं यार, वो यही है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके अपने सुझाव हमें देते रहो। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो यार हमें बताओ, ताकि हम इन फ्यूचर उन गलतियों को अपनियों को रेक्टिफाई कर सके। भाई आप यार हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, वो ही हमें बताते हैं कि भाई आपने ये गलती की है, वो गलती की है। तो भाई यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे। तो आज की जो गाड़ी है वो है आपका ग्लेंजा का सीएनजी वाला वेरिएंट, जो कि एस वेरिएंट है और ये बेस मॉडल है। बट बेस मॉडल होने के साथ ही इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको अदर कंपनीज जो है ना उनके टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते भाई। तो वही जो फीचर्स है वही आज आपको मैं बताने वाला हूँ। इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, एवरेज वगैरह सब कुछ इस वीडियो में आप अंत तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप वीडियो देखोगे ना तो आपका जो माइंड सेट है वो इस गाड़ी के प्रति इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप बेस मॉडल किसी और कंपनी के तरफ जाओगे ही नहीं, क्योंकि ये फीचर्स जो है ना वो फीचर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए गाड़ी का स्टार्ट करते हैं, गाड़ी के बारे में बताना। तो सबसे पहले एक्सटीरियर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर की बात करते हैं तो ये आपको वही नॉर्मल सी मारुति वाली की मिलेगी। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है बस, बाकी और कुछ नहीं है। दो की आपको इसके साथ मिल जाती हैं। अब की रख लेते हैं भाई, अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। अगर गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं तो भाई गाड़ी देखने में ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी खूबसूरत सी लग रही है। हालांकि ये जो ग्लेंजा है आपकी बलेनो जैसी ही लगती है, बट इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ना वो भाई इस गाड़ी को अलग बना देता है उससे। क्योंकि आप अगर फ्रंट प्रोफाइल देखोगे तो कुछ कुछ जो कोरोला की आपकी एल्टिस आती है या फिर कैमरी वगैरह, उनसे इंस्पायर्ड सा कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल लगता है। तो इस वजह से ये गाड़ी बलेनो से ज़्यादा खूबसूरत लगती है भाई। अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये इसकी चौड़ाई आपको 1745 mm की मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी अपने आप में सही है भाई। अब यहाँ से बात कर लेते हैं तो आप यहाँ से देखोगे आपको टोयोटा का एक प्यारा सा लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे क्रोम फिनिश की डिज़ाइन आपको फ्रंट ग्रिल में मिल जाती है, मस्त लग रही है ये ग्रिल। और यहाँ नीचे अगर आप रेडिएटर ग्रिल को देखोगे तो ये आपको ऐसी ही नॉर्मल ब्लैक कलर में मैटी में मिल जाएगी भाई, ये ग्लॉस में नहीं है। और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर की कुछ डिज़ाइन सी मिल जाती है, ये हालांकि ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये है वैसे ही प्लेटिंग है कार्बन फाइबर की। ओरिजिनल तो भाई बहुत महंगा आता है यार। अगर हेडलाइट सेटअप की बात करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्टर यहाँ पे मिल जाती है हेडलाइट, और एक हेलोजन में मिल जाएगा, और टर्न इंडिकेटर जो है वो भी हेलोजन में ही मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आपको फॉग लैंप नहीं मिलेगा, बस ये क्रोम की डिज़ाइन मिल जाती है। आफ्टर मार्केट आप अगर लगवाना चाहते हो तो यहाँ पे एक होल होगा और फॉग लैंप आप आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हो। तो फ्रंट प्रोफाइल तो कुछ गाड़ी का ऐसा है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वाइपर वॉशर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, रेन सेंसिंग नहीं मिलेगा, नॉर्मल ही है जो इसका IRBM है। गाड़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है फ्रंट से तो भाई मुझे। अब साइड प्रोफाइल, अगर राइट साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो राइट साइड से भी गाड़ी देखने में सही है, मतलब अच्छा खासा कैबिन स्पेस गाड़ी में बहुत है क्योंकि इसका व्हील बेस बहुत ज़्यादा है। अगर इस गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो ये आपको 3990 इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो मिल जाती है, और अगर व्हील बेस की बात करते हैं जो दोनों टायर्स के बीच में गैप होता है वो मिल जाता है आपको 2520 mm का, जो कि अच्छा खासा है। इस व्हील बेस की वजह से जो आपका गाड़ी का अंदर का कैबिन है ना वो इसको स्पेशियस और भाई ज़्यादा अच्छा बना देता है, मतलब ज़्यादा से पैसा आप खुल्लम खुल्ला बैठोगे इस गाड़ी में, आपको कोई भी कैसा इशू नहीं आएगा। यहाँ से आप साइड प्रोफाइल देख सकते हो, इंडिकेटर जो है वो फेंडर पे नहीं है, हालांकि ये बेस मॉडल है एस मॉडल है फिर भी इंडिकेटर फेंडर पे नहीं है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर ORVM पे मिल जाएगा। बाकी मारुति की मोस्टली कार्स में ना बेस मॉडल हो कोई सा हो फेंडर पे ही यूज करती है मारुति अभी, बट ग्लेंजा में टोयोटा ने ये हटा दिया है। अगर टायर की बात करते हैं तो इसमें आपको अपोलो के टायर मिल जाते हैं। प्रोफाइल है इसकी 185/65 15 इंच का, इसमें स्टील रिम यूज किया गया है,
और व्हील कैप मिल जाता है आपको, नॉर्मल सा ही व्हील कैप है, ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा ही खास कोई हुंडई के जैसे, बाकी नॉर्मल व्हील कैप है स्टील रिम, और आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है भाई। तो टायर प्रोफाइल भी सही है, 15 इंचेस का मेरे ख्याल से तो इनफ है भाई। टायर पे भी आपको ग्लॉस फिनिश मिल जाती है, बाकी अगर आप कार्बन फाइबर जैसा कि इसमें यहाँ फ्रंट पे लग रहा है, आप यहाँ मिरर पे भी इसकी प्लेटिंग करा सकते हो, अच्छा लगेगा। बाकी ये भी ग्लॉस में सही लग रहा है। मिरर पे ORVM पे ही आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा, रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी में नहीं मिलेगा क्योंकि बेस मॉडल आपको की से ही एंट्री करनी पड़ेगी। ए पिलर आपको मैट फिनिश में ब्लैक में मिलता है, बी भी आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा, और जो सी पिलर है वो भी ब्लैक कलर में ही मिलता है। हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर के, दोनों ही बॉडी कलर के मिल जाते हैं, क्रोम फिनिश में नहीं मिलते, ऊपर वाले वेरियंट में आपको क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के बैक प्रोफाइल की। तो गाड़ी का बैक प्रोफाइल है ना जो, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे यार। यहाँ से जो लाइट की इसकी डिज़ाइन दी गई है ना, वो इसकी लुक को अलग ही बनाती है। यहाँ पे आपको जो एंटीना मिलता है वो पावर वाला मिल जाता है, शार्क फिन में तो है नहीं, नॉर्मली है। हाई माउंटेन लैंप मिल जाएगा आपको, एयर स्पॉइलर भी मिल जाएगा, डीफॉगर भी मिल जाएंगे। वाइपर इसमें यूज नहीं किया है यार, वाइपर और डाल देते तो फिर क्या हो जाता है यार, जब डीफॉगर दे रहे हो तो वाइपर भी लगा देते, और CNG की यहाँ पे बैज मिल जाएगी। ये मतलब कुछ ऐसे फीचर है, ये डीफॉगर हुआ, हाई माउंटेन लैंप वगैरह, जो बेस मॉडल में हर किसी कंपनी में नहीं मिलते भाई, बट ग्लेंजा में आपको मिलेंगे। और एक जो सबसे बेस्ट फीचर है ना बेस मॉडल में, वो बताऊंगा भाई अंदर जाके इसके। अब नीचे थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, ग्लेंजा की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी, और एस की बैजिंग यहाँ। लाइट सेटअप की अगर बात करते हैं तो ये भी देखने में काफी खूबसूरत सा लाइट सेटअप है। यहाँ पे आपको जो छोटी छोटी सी डॉट टाइप में लाइट मिलती है ना, ये बहुत ही प्यारी लगती है भाई। बैक लाइट भी मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा, और ये ब्रेक लाइट भी आपको इसी में मिल जाएगी रेड कलर की। नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं, और पार्किंग सेंसर्स की अगर बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर भाई बेस मॉडल में भी आपको, मतलब 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं यार, और क्या लोगे भाई बताना ज़रा। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के बूट स्पेस की। बूट स्पेस देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है भाई, बटन प्रेस कीजिए और आपका ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक है ये, तो आप बूट स्पेस देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाएगी, बट यार बूट स्पेस के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिलेंडर मिलता है। ये जो मॉडल है ये CNG में, यहाँ पे आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा, और ये कवर के साथ है। पता नहीं यार टायर को सर्दी लग रही थी क्या, एकदम कंबल सा लगा दिया इसके भाई बिल्कुल ना। यहाँ पे आपको बाकी सारी किट मिल जाती है, पंचर वगैरह आपको लगाने। तो इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा सिलेंडर लगाने के बाद भी, जो मेरे ख्याल से एक फैमिली के लिए तो ये बूट स्पेस इनफ है। बाकी आप सीट वगैरह भी फोल्ड कर सकते हो, 60-40 में आपको इसकी सीट्स मिल जाती हैं, तो आप फोल्ड करके बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हो। इसके सिलेंडर की कैपेसिटी की बात करते हैं तो 55 लीटर वाटर में आपको इसकी कैपेसिटी मिल जाती है, और अगर एवरेज की बात करते हैं तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 30 के अप्रॉक्स कर रही है। बाकी भाई आप जब चलाओ इकोनॉमी आपके ऊपर होती है, लेनी आप 80 पे चलाओगे, 90-100 पे चलाओगे तो भाई नहीं करेगी, बाकी आप नॉर्मल चलाओगे तो ये आराम से 30 की एवरेज आपको दे देगी। अगर गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो एज इट इज ही, राइट वाली एक थोड़ा ही चेंज होता है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक फ्यूल टैंक का कैप मिल जाता है पेट्रोल के लिए, ये 35 से 37 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है। और अगर पेट्रोल में इसकी बात करते हैं एवरेज की, तो आपको अप्रोक्स 23 के करीब इसकी एवरेज पेट्रोल में मिल जाती है। तो भाई ये तो रहा गाड़ी के एक्सटीरियर का ओवरऑल रिव्यू। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि इंटीरियर में ऐसा इसमें क्या खास है जो बेस मॉडल में है और जो कोई भी कंपनी प्रोवाइड हमको नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और देखते हैं। नॉर्मल सी की है, यहाँ पे की से एंट्री करनी पड़ेगी, कीलेस नहीं। और अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या है गाड़ी के अंदर भाई। तो गाड़ी अंदर से भाई मेरे ख्याल से तो बेस्ट है जो इसका इंटीरियर है ना, और जो सीट्स पे आप ये डिज़ाइन देख सकते हो भाई, ये मस्त लग रही है। की रख देते हैं पहले इसकी ना, तो ये डिज़ाइन मुझे मस्त लगी भाई। ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्यारा है यार, मेरे हिसाब से तो बेस्ट इंटीरियर लगता है। बजट रेंज में ये गाड़ी मिलती है, रेट मैं आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो से, आप जुड़े रहना। तो अगर विंडो की ही बात कर लेते हैं, ये आपको डुअल टोन में मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, यहाँ पे ये ब्राउन ब्राउन सा कलर है, ये सॉफ्ट वाला कपड़ा यूज़ किया गया है, यहाँ पे लेदर तो नहीं, और यहाँ पे भी सॉफ्ट ही है, आप अपना कोहनी वगैरह कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। जो डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे नॉर्मल मिलेंगे, क्रोम में नहीं मिलेगा, ये लॉक अनलॉक का मिल जाता है, और यहाँ पे सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। फ्रंट विंडो ऑटो है, बाकी जो नॉर्मल और विंडो है वो आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा तब अप डाउन होगा। ये मिरर वगैरह के लिए सारे कंट्रोल्स यहाँ पे, ORVM एडजस्ट करने का, यहाँ पे आप कॉइन वगैरह रख सकते हो, बोतल वगैरह कपड़ा वगैरह सब कुछ रख सकते हो, और यहाँ पे स्पीकर इसमें मिल जाते हैं। तो ये तो रहा विंडो का बात। अगर सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स का फैब्रिक है ना भाई, वो अच्छा है, फैब्रिक कपड़े में मिलता है, और जो ग्रिप आने वाली है, थाई ग्रिप हो या फिर बैक की जो सब
सपोर्ट हो या फिर जो इसका एंगल है वो सब सीट का बेस्ट बना के दिया है कंपनी ने यार। टू वे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, आप रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो और आगे पीछे भी आप इसको सीट्स को इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हेड रेस्ट भी मिल जाता है भाई, हेड रेस्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मस्त लगा। मतलब इसका इंटीरियर ना गाड़ी का मस्त है यार, ABC तीनों पैडल मिल जाएंगे आपको। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर भाई, अंदर देख के फील देखते हैं इसका बैठ के क्या मज़ा आता है भाई। तो अब आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर और खिड़की कर लेते हैं बंद और सीट्स कर लेते हैं थोड़ा पीछे। तो भाई जो इसमें स्पेस है ना यार, वो स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। मैंने सीट फुल पीछे की है और आप देख सकते हो भाई काफ़ी स्पेस मिल जाता है सीट फुल पीछे करने के बाद ना। अगर यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, फ्यूल चेंज करने का भी बटन है और लाइट एडजस्ट करने का भी बटन है। यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाएंगे, ये नॉर्मल ही मिलेंगे, ये आपको आगे ऊपर नीचे आप AC वेंट्स अपने कर सकते हो यहाँ से। अगर नीचे देखते हैं तो ये आपको हुड ओपन करने का मिल जाता है, पेट्रोल टैंक का जो कैप होता है उसे ओपन करने का। यहाँ पर आप कुछ कॉइन वगैरह या फ़ोन अपना कुछ रखना चाहते हो तो वो इजीली रख सकते हो। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करते हैं तो भाई स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी प्यारा प्रीमियम सा लग रहा है। जो इसकी ग्रिप आ रही है ना यार, मस्त आ रही है। टोयोटा का लोगो इसकी लुक को और भी ज़्यादा प्यारी। और डी कट में आपको हैंडल मिल रहा है यार, और क्या लोगे, बेस मॉडल में डी कट मिल रहा है भाई। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं म्यूजिक वगैरह के, ये खाली है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको वहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर ये बटन मिल जाते हैं कॉल वगैरह कुछ उठानी हो। अगर बात करूँ कि स्टेयरिंग आप कैसे कर सकते हो तो ये आप इसको टिल्ट कर सकते हो और हाँ, स्टेयरिंग आपको ओनली टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक आपको इसमें स्टेयरिंग नहीं मिलता है भाई। अब लॉक लगा देते हैं इसका। यहाँ पे आपको लाइट वगैरह का एडजस्टर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वाइपर वगैरह जो भी है आपका वॉशर वगैरह सबका एडजस्टर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी MID की। तो भाई गाड़ी पहले स्टार्ट करके देखते हैं कैसी है। तो ये मैंने की कर दी भाई इंसर्ट और ये कर दी गाड़ी। हाँ ओहो भाई AC चल गया, मज़ा आ गया यार फुल ना। तो भाई आप MID देख सकते हो, ये आपको डिजिटल नहीं मिलेगा, एनालॉग ही मिलेगा, बट लाइट वगैरह जल के ना है बिल्कुल भाई डिजिटल जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे आपको एक RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर और बीच में एक प्यारी सी डिस्प्ले जो कि सब कुछ इंडिकेट कर देती है, पेट्रोल फ्यूल वगैरह कितना है या कुछ भी है। भाई मस्त लग रहा है, मतलब मुझे तो MID बेस्ट लगी, इसकी कोई इशू नहीं है यार। बेस मॉडल के हिसाब से इसकी MID बेस्ट है, वहाँ पे आपको बैटरी वगैरह इंजन लाइट वगैरह सब कुछ मिल जाता है भाई। अगर मिडिल वाले पोर्शन की बात करते हैं तो एक प्यारी सी आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले का साइज मेरे हिसाब से सही है यार। और ये जो डिजाइन दिया ना आजकल यही डिजाइन चल रहा है, डेस्कटॉप के कुछ ऊपर करके डिस्प्ले लगाई जाती है। अब यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह बटन कुछ भी तेज वेज करना हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। IRVM जो आपको है मैनुअल ही एडजस्ट करने के लिए मिलता है, आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है भाई। यहाँ पे आपके AC वगैरह के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मस्त लग रही है ये भी डिजाइन, इसकी बेस्ट लग रही है यार। और जो फिनिश दी गई है ना इसमें, ये ब्राउन कलर मिलता है, ये फिर आपको ब्लैक ग्लॉस मिलता है, ये मैट मिलता है वो भी मैट है। तो ये जो फिनिशिंग है और इसका जो इंटीरियर है ना वो इस गाड़ी को अलग बनाता है भाई। अपनी जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन में किसी भी गाड़ी में मुझे इतना प्रीमियम सा इंटीरियर कहीं भी नहीं दिखा यार, हकीकत बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चार्जर वगैरह कुछ लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बोतल होल्डर वगैरह। 5-speed मैनुअल में आपकी कार आती है और यहाँ पे एक आपको गियर लीवर मिल जाता है जो कि नॉर्मली है बट अच्छा लग रहा है देखने में। हैंड ब्रेक मिल जाती है और हैंड ब्रेक में आपको क्रोम फिनिश का डिज़ाइन मिल जाता है। और जो ये ब्लैक ग्लॉस में दी गई है ना, ये डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारी लग रही है। और जो भाई सबसे मेन बात है यार इस गाड़ी की, बेस मॉडल में ही आपको ऑटोमेटिक AC मिल रहा है भाई। अगर किसी भी गाड़ी में ऑटोमेटिक बेस मॉडल में मिल रहा हो ना तो यार मुझे बताना ज़रूर भाई। ये फीचर है यार इस गाड़ी का जो इसे ना सारी गाड़ियों से अलग बनाता है। हजार्ड लाइट वगैरह जलानी हो, इंडिकेटर भी जलेंगे आप जब हजार्ड लाइट जलाओगे ना। ग्लव बॉक्स की अगर बात करते हैं तो ये नॉर्मल ही स्पेस है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है ग्लव बॉक्स, बाकी है हाँ सब कुछ आ जाएगा इजीली जो ग्लव बॉक्स का सामान कुछ होता है। यहाँ पर आपको जो सनशेड है उसमें मिरर नहीं मिलता, इस वाले में मिरर मिल जाएगा। आप यहाँ पर आपको येलो कलर की लाइट वाले दो रीडिंग लैंप मिल जाते हैं, अच्छे लग रहे हैं यार। और वहाँ उस विंडो की अगर बात करते हैं तो वही डोर हैंडल वगैरह, विंडो अप डाउन बटन, ऐसी ही एज इट इज़ विंडो ये भी आपको मिल जाती है। तो जो इंटीरियर है वो काफ़ी स्पेसियस गाड़ी का मुझे लगा। डोर हैंडल है, यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है, बीच में भी रीडिंग लैंप जो है। तो यार और क्या लोगे बेस मॉडल में। प्राइस जब मैं बताऊँगा ना तो भाई आप ये कहोगे भाई ये गाड़ी चाहिए तो यही चाहिए, बाकी और कोई गाड़ी हमको चाहिए ही नहीं। क्योंकि जो इकोनॉमी है, CNG देख लो या फिर आप पेट्रोल देख लो, तो इकोनॉमी मेरे ख्याल से इसकी बेस्ट निकल के आती है भाई। सीट बेल्ट वगैरह यहाँ भी काफ़ी स्पेस है, ये बीच वाला जो एरिया है ना वो काफ़ी स्पेसियस है, यहाँ भी कुछ रखो, यहाँ रखना चाहते हो आप यहाँ भी रख सकते हो भाई। अब चलते हैं भाई रियर सीट्स पे और रियर सीट्स पे देखते हैं कि बैठने में कैसा फील होता है, पैसेंजर्स को कुछ मज़ा आएगा या फिर नहीं आएगा।
रियर विंडो जो है ओपन कर लेते हैं। 90 डिग्री पे आपकी थोड़ी बहुत 90 डिग्री लग रही है, बट हाँ फुल 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है भाई विंडो अप डाउन करने का, लॉक अनलॉक करने का, कॉइन होल्डर वगैरह वही यूज़ किया गया है जो डुअल टोन में कलर है ना इसका, फ्रंट में बैक में हर चीज़ में वही यूज़ किया गया है जो गाड़ी को अलग बना देता है। यहाँ पे भी आप डुअल टोन में सीट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और भाई अंदर बैठ के देखते हैं कि पैसेंजर्स को कैसा कुछ फील आने वाला है। तो मैं अब गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, विंडो कर लेते हैं बंद। तो भाई जो मेरे हिसाब से तो यार इसका जो नी रूम आ रहा है ना वो बेस्ट आ रहा है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो सीट्स है मैंने फुल पीछे कर रखी है, फुल जो होती है, फिर भी मैं पैर अपने इजीली हिला सकता हूँ। मेरी हाइट 5'8" के अप्रॉक्स है, तो 6 फुट का बंदा भी इसमें आराम से बैठ जाएगा। सीट अभी तो भाई आगे होगी क्योंकि वो सीट्स आगे है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। और जो हेड रूम है, हेड रूम भी बहुत है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 6.5 फुट का बंदा भी आराम से बैठ सकता है। और जो सीट्स पर बैठने का पोस्चर आ रहा है ना वो भी अच्छा आ रहा है, थाई ग्रिप वगैरह हर चीज़ अच्छी है। यहाँ थाई ग्रिप मुझे थोड़ी लगी यार कम, सीट्स का और साइज थोड़ा आगे तक बढ़ा देते तो सही होता, बाकी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ रखना हो आप रख सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट मिल जाता है, कॉइन होल्डर वगैरह आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, सीट्स बेल्ट आपको इसमें मिल जाएंगी। और इसमें यार एक चीज मुझे बेकार लगी, सब अगर यहाँ पे हैंड रेस्ट लगा देते कुछ कप होल्डर वगैरह तो यार क्या घट जाता, बाकी इसमें है नहीं, ये चीज मुझे इसकी खराब लगी। जो हेड रेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, बीच वाला भी बच्चों के लिए जो होता है ये भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा, सीट्स बेल्ट वगैरह मतलब सब कुछ जो नॉर्म्स चल रहे हैं ना गवर्नमेंट के, भाई पीछे भी सीट्स बेल्ट लगाना अब अलाउड है, तो भाई सीट्स बेल्ट आपको इसमें मिल जाती है, डोर हैंडल मिल जाएगा दोनों ही डोर्स पे यार। तो मतलब बैक में जो बंदे को आएगा ना पैसेंजर को वो भी अच्छा फील आएगा यार। भाई अब चलते हैं बाहर और बात करते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसका हुड ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ मिलता है इसमें। तो भाइयों ये है इसका कुछ, हुड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इंसुलेटर मिलेगा। बाकी गाड़ी का इंजन वैसे तो बहुत साइलेंस है, फिर भी क्यों लगाया पता नहीं, सेफ्टी पर्पज हो शायद, इंजन बहुत रिफाइन है इस गाड़ी का हकीकत में, ये बात तो कही जाएगी। और भाई ये आप नीचे देख सकते हो इंजन प्लेट भी मिल जाती है आपको, जो मड प्लेट भी आप इसे कह सकते हो, कीचड़ वगैरह से इंजन को सेफ रखती है। तो ये भी बेस मॉडल में यार यही फीचर तो है इस गाड़ी के जो अलग बनाते हैं, इंजन प्लेट मिल रही है आपको, इंसुलेटर मिल रहा है, हालांकि इतना साइलेंट इसका इंजन 1.2 लीटर का आपको इसमें इंजन मिल जाता है। और अगर सीसी की बात करते हैं तो 1197 सीसी का है, 4 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर ही मिलता है भाई नॉर्मल गाड़ियों में, बट यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर मिलता है। अगर इसकी BHP की बात करते हैं तो 76 की BHP जनरेट करता है, और टॉर्क की अगर बात करते हैं तो 98 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क है, जो मेरे ख्याल से तो यार इस गाड़ी अगर इसकी रेंज में और गाड़ियों में देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट है भाई, बेस्ट लगा मुझे तो। और वहाँ आपको सारे जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह, EBS, सब कुछ आपको इस गाड़ी में भर भर के मिल जाता है भाई, सब मिलेगा। गाड़ी का इंजन आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस बच रहा है, खाली खाली सा है कुछ, बाकी इंजन बहुत साइलेंट है। मैं आपको इसे स्टार्ट करके एक बार दिखाता हूँ, आप देखना वाइब्रेशन वगैरह कुछ है या फिर नहीं है। देखो भाई मतलब बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है भाई इस इंजन में, आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में, और देखो आप बेल्ट वगैरह भी चल रही है बट इंजन बिल्कुल भी नहीं हल रहा है। तो भाई यही चीज़ है जो यार इस गाड़ी को ना सारी बाकी बेस मॉडल्स और भी जो कंपनियों के हैं उन सबसे अलग बना देता है। रिफाइन इंजन है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, अभी थोड़ा स्टार्ट किया है इस वजह से आवाज़ अभी डाउन जाएगा तो ये बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। अब इसको हुड को बंद कर देते हैं और बाकी रेट वगैरह एवरेज वगैरह क्या कुछ मिलता है वो सब चीज़ आपको बताते हैं। तो भाई ये था आज के बारे में, जो कुछ भी गाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया सब कुछ बता दिया, जो बेस्ट फीचर्स इसके हैं, ऑटोमेटिक AC वगैरह मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है आपको बेस मॉडल में ही। अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो पेट्रोल में आपकी 23 से 24 की जो कि कंपनी क्लेम करती है, और CNG में अगर बात करते हैं तो 30 की कंपनी क्लेम करके चल रही है। तो भाई ये फीचर्स हैं। और अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग होने वाली है वो 980,000 के अप्रॉक्स होने वाली है, सिटी टू सिटी आपका चेंज होता रहता है। तो 980,000 में जो फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं वो किसी और गाड़ी में अगर मिलते हो ना तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये 980,000 में ना ये गाड़ी बेस्ट लगती है। इसका इंटीरियर हुआ, इसका एक्सटीरियर हुआ, इसकी परफॉर्मेंस हुई, इसका कैबिन स्पेस हुआ, इसको भाई जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना टोयोटा ग्लेंजा की, वो इसकी वारंटी है, आपको 1,00,000 किलोमीटर्स और 3 साल की वारंटी भी इसकी मिल जाती है। ये बलेनो से कहाँ अलग है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो बलेनो पे पेंट की कोटिंग की जाती है वो 3 लेयर की होती है, बट जो भाई ग्लेंजा टोयोटा अपनी गाड़ियों पर करती है ना, जो भी मारुति की गाड़ी ले रखी है उस पर 5 लेयर की पेंट कोटिंग की जाती है, तो इसी वजह से थोड़ा यहाँ पे इसका जो
कलर वगैरह होता है वो बलेनो से थोड़ा अलग होता है, मारुति की गाड़ियों से अलग होता है। हालांकि वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, बाकी ये यार डिफरेंस जो है वो तो है ही है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था बस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें अपनी कमेंट में सुझाव देते रहना कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमें बताइए भाई। तो मिलते हैं आने वाली किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।